जी हाँ, पहले तो मेरे सब लोगों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और अस्सलाम वालेकुम। जी मैं संगीतकार दिलीप सोनी और मेरे साथ में दिग्गज लोग बैठे हुए हैं, जिसमें हमारी लाडली सुपरस्टार सिंगर साधना जी हैं, डॉक्टर राज साहब हैं और मुकेश पांडे जी हैं, और हमारे सबसे प्यारे भाई पंकज साहब हैं जो कि बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। तो मैं पहले तो ये गाने के विषय में ये बता दूंगा कि जिस तरीके से वंदे मातरम और जनगण मन राष्ट्रगान है, उसी तरीके का ये बहुत फर्स्ट टाइम मतलब मैं कर रहा हूँ, और वंदे मातरम के नाम से प्रकाश ये अनंत है, जो कि बहुत ही प्यारा डॉक्टर साहब ने लिखा है। और डॉक्टर साहब का पूरा परिचय तो डॉक्टर साहब खुद देंगे आपको, क्योंकि मैंने जितने भी आज तक गाने किए हैं, यानी मैंने 1800 से ऊपर गाने किए हैं, मगर देशभक्ति का ये मैं पहली मरतबा गाना कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है इस गाने की कि ये जिस तरीके से हर बार दूसरे गाने 15 अगस्त या 26 अगस्त को 26 जनवरी को जो मनाए जाते हैं, उसी तरीके से ये गाना भी बजेगा। और बाकी तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब इसके विषय में, गाने के विषय में बताएं, क्योंकि बहुत ही प्यारा लिखा हुआ है। और इसको गाने को लिखने से पहले तो मुझे पूरा समझना पड़ा कि इसके मायने क्या हैं, तो वो सब डॉक्टर साहब ही आपको बताएंगे। सर जानना चाहूँगा आपसे कि पहले तो परिचय दीजिए, जानना चाहूँगा इस गाने का आपने चुनाव कब किया और क्या चुनौतियाँ थी और क्या आपको प्रेरित किया इस गाने को? इनका परिचय मैं देना चाहूँगा डॉक्टर साहब का। देखिए डॉक्टर राज सिंह इनका नाम है और ये रीजनल डायरेक्टर हैं कॉरपोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। और डॉक्टर राज सिंह जी के बारे में मैं बताना चाहूँगा क्योंकि एक ब्यूरोक्रेसी के अंदर रहते हुए इनको लिखने का बहुत शौक रहा है। बहुत सारे गीत इन्होंने लिखे हैं जो कई भारत के अखबारों के अंदर, कई चैनल्स के अंदर समय समय पे जो है प्रकाशित भी होते रहे हैं और टेलीकास्ट भी हुए हैं। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात थी कि इनका ये गीत जो है वंदे भारत, ये गीत मैंने इनका अखबार के अंदर पढ़ा और मैंने इनको अप्रोच किया, क्योंकि जब से धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटी थी, उससे पहले बोला जाता था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। तो इनका गीत जब मैंने देखा कि भारत के बारे में इन्होंने जो शब्दावली का चयन किया था, तो मैंने सीधे सबसे पहले दिलीप भाई को फ़ोन किया। मैंने कहा ये गीत मैंने देखा है, पढ़ा है और मैं चाहता हूँ क्या ये संगीत में आपके द्वारा ढाला जा सकता है। इन्होंने कहा कि भाई गीत में बहुत दम है, आप इसको लिखा किसने है? तो डॉक्टर साहब को मैंने अप्रोच किया, डॉक्टर राज सिंह जी को, और उनसे मैंने मुलाकात की और मैंने उनसे कहा क्या मैं आपका ये गीत जो आपने लिखा है तो क्या मैं इसका यूज कर सकता हूँ, क्योंकि आज के भारत की ये आवश्यकता है कि जो युवा पीढ़ी आ रही है वो इस तरीके के गीत में, क्योंकि आप रैप भी सुन रहे हैं, चाहे शराब के गाने सुन रहे हैं, बहुत अलग अलग तरह के गाने चल रहे हैं, लेकिन देशभक्ति के सॉन्ग बहुत कम हो गए हैं। और ये जो वंदे भारत के नाम से मैं इस गाने को लाना चाहता हूँ, तो इन्होंने अपनी सहमति प्रदान की और फिर मैंने इनसे अनुरोध किया कि जब ये गीत होगा तो मैं चाहूँगा कि आप मुंबई रहें, इस गीत को जब भी दिलीप जी समय देंगे तो इसको जो है आपका रहना वहाँ अनिवार्य है। फिर ये हुआ कि इस गीत को गाएगा कौन, सबसे बड़ी दुविधा का था, क्योंकि ये गीत जिस तरीके का शब्दों का इसमें चयन किया गया है, तो दिलीप जी और हम लोग एक हफ्ते तक ये सोचते रहे और आखिरी में केवल दिलीप जी ने यही कहा कि इस गीत को कोई गा सकता है तो साधना सरगम भी गा सकती हैं, और मैं इनको ये गीत भेजता हूँ। और साधना जी ने जैसे ही ये गीत पढ़ा, उन्होंने कहा ये गीत मेरे लिए ही बना है। और आज का दिन और साथ में सबसे बड़े खुशी की बात है कि इस गीत के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हैं, साथ में हमारे बीच में पंकज जयरथ जी भी हैं जो लाइन प्रोड्यूसर हैं ओम मोशन पिक्चर्स के, और थ्री मंकीज का इनका अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस भी है। तो हमने कहा कि इस अवसर पे आप लोगों के सामने ये जब रचना होने जा रही है वंदे भारत की, तो हम लोग आपके समक्ष उपस्थित रहें और आप लोग को साक्षी बनाएं। अब डॉक्टर साहब, अब बेशक डॉक्टर साहब से पूछिए आप। सर जानना चाहूँगा कि कोरोना काल में इस गीत का लेखन किया आपने, क्या कहना चाहेंगे कि गीतकार बनने का जो जज्बा था कब हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, गीतकार बनने का जज्बा तो नहीं, लेखक मैं पिछले 25-30 साल से रहा हूँ। 1991 में मेरा पहला आर्टिकल छपा था, पहले मैं इंग्लिश में लिखता था, हिंदी में मैंने लिखना सीखा करीब 22 साल पहले, बालकवि बैरागी जी से मैंने कविता लिखना सीखा, और मेरी पहली कविता थी मरुस्थल का संकल्प, जो परमाणु विस्फोट जब किया था तो उस पोखरण के ऊपर मैंने पहली कविता 1998 में लिखी थी। उसके बाद कोरोना काल में वक्त ज़्यादा था, तो उस वक्त का सदुपयोग करने के लिए बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे हिंदी में भी मैंने लेख लिखे। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखता हूँ, कविता सिर्फ हिंदी में लिखता हूँ, पर लेख इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखता हूँ। तो ये एक साल पहले, करीब एक साल पहले ये कविता कई समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी।
और इस साल भी ये 15 अगस्त को ये कविता प्रकाशित हुई। तो इस कविता में राष्ट्र की वंदना है, भारत की वंदना है, भारत की संस्कृति का इस कविता में विवेचन है, उल्लेख है, उसी के ऊपर ये पूरी कविता है। और इसके ऊपर अगर गीत बनता है तो ये गीत में जो आध्यात्मिक स्ट्रेंथ है देश की, उसके ऊपर ये गीत है। इसमें भारत जो एक राष्ट्र के रूप में, भारत एक ज्योग्राफिकल एंटिटी के रूप में, और विश्व में जो भारत का स्थान है, और जो भारत की आध्यात्मिक शक्ति है, उन सब चीज़ों का वर्णन इस गीत में है। तो ये राष्ट्र वंदना के रूप में, भारत वंदना के रूप में ये गीत है। बहुत अच्छे, बहुत। तो कोई हिडन एजेंडा है जैसे 370 विषय को आपने रखा कि हटने के बाद आपने ये गाना को लिखा है? तो नहीं, एजेंडा ना कोई हिडन एजेंडा है, ना कोई एजेंडा है ही नहीं इसके पीछे। एजेंडा इसके पीछे राष्ट्र प्रेम है। ये कविता है, ये राष्ट्र की स्तुति में एक कविता है जो गीत बनने जा रही है। तो राष्ट्र की वंदना के पीछे कोई एजेंडा नहीं होता, वंदना तो वंदना होती है, उसके पीछे क्या एजेंडा। ये भी चाहूंगा, साधना जी जैसी गायिका और दिलीप सर जैसे संगीतकार, कितना आपको अच्छा लग रहा है, सहयोग कर रहे हैं आपके इस? मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मैंने कविताएं तो बहुत लिखी हैं, मेरी 100 के करीब कविताएं प्रकाशित हैं। अभी काव्य संग्रह तो कोई प्रकाशित नहीं हुआ, उसके लिए वक्त अभी नहीं मिला, पर जैसे जैसे मैं कविता लिखता हूँ वो समाचार पत्रों को भेज देता हूँ, और जितने भी जो राष्ट्रीय जो समाचार पत्र हैं हिंदी के, जिसमें दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, पंजाब केसरी, इन पायनियर, अजीत, इन सभी समाचार पत्रों में मेरी कविताएं निरंतर प्रकाशित होती रहती हैं, और जो हिंदी की मैगजीन है उनमें छपती हैं, टीवी चैनल्स पर भी जो उन्होंने कवि सम्मेलन से लेके टेलीकास्ट किया उसमें आज तक, इंडिया टीवी, इन सभी जो लीडिंग दूरदर्शन के जो चैनल हैं उन सब में मेरी कविताएं आई हैं। तो ये गीत इन्होंने गाने के लिए, गीत के लिए चुना, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि दिलीप भाई और साधना जी ये इसमें गीत का निर्माण कर रहे हैं इस कविता के लिए। तो मैं इनका आभार भी व्यक्त करता हूँ। बिल्कुल सर, हम सभी एक दूसरे के आभार के हैं। साधना जी, आपको कितना प्रभावित किया इनका जो गाना है, गीतकार के तौर पर कितना प्रभावित किया इनका जो लेखन है आपको? बहुत बेहतरीन रचना है ये। और दिलीप भाई ने जब कहा कि डॉक्टर राज सिंह जी, जिनके बारे में इतनी सारी बातें हमने सुनी कि कितने बड़े पद पे हैं वो, कितने बड़े स्थान पे, कितना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं वो, और उनका ये फील्ड और ये काव्य कमाल का है। ये जो मैंने पढ़ा और जिस तरह से उन्होंने इसका वर्णन किया कि ये कैसा लिखा गया है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, एक एक लाइन बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने बताई है, और बहुत कमाल की रचना है। राष्ट्र वंदना मतलब सिर्फ देशभक्ति ने, हमारे देश की जो नींव है आध्यात्मिकता, उसको इतना अच्छा मिलाकर एक बेहतरीन काव्य उन्होंने सामने रखा, ये बहुत कम मैंने देखा है। राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति के गाने और अध्यात्म की हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, इसका सुंदर बहुत मिलावट, बहुत अच्छा किया है, बहुत प्रेजेंट अच्छा किया है, और दिलीप भाई ने उसको कमाल कर दिया है। मैंने तो कमाल कर दिया है, कमाल कर दिया है। जैसा गाने लगभग आने बंद हो चुके हैं, तो उसके बारे में क्या करना, कितना बहुत, मैं तो अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ। दिलीप भाई थैंक यू, डॉक्टर साहब थैंक यू, मुकेश जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आप आई। ये जो काम हो रहा है ये बहुत कमाल हो रहा है, बहुत अच्छा। एक्चुअली मैं क्या है कि जैसे परफॉर्म मोशन एंटरटेनमेंट जो कंपनी है, मुकेश भाई प्रोड्यूस करते हैं सभी सॉन्ग्स, तो तकरीबन उसमें 200 गाने हम लोग बना रहे हैं, और काफ़ी सारे गाने कुछ बन भी चुके हैं, जिसमें हनुमान जी के ऊपर भी है और शिव जी के ऊपर भी है, और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग्स हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि दारू के गाने आ रहे हैं आजकल, और डिफरेंट डिफरेंट अलग तरीके के गाने आ रहे हैं, तो हम उससे अलग हट के कुछ गाने बना रहे हैं ताकि यूथ उस तरीके के भी गाने सुने। और डॉक्टर साहब का मैंने भी पढ़ा था, मुकेश जी ने मुझे दिया था पढ़ने के लिए, तो मैं वैसे ही गुनगुना रहा था, तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ही अच्छा गाना है वाकई, और फिर दिलीप जी से बात किया, फिर वो धीरे धीरे सब सेट हो गया, और डॉक्टर साहब ने भी परमिशन दे दी, साधना जी को भी अच्छा लगा, उन्होंने भी परमिशन दे दी, तो बस अब ये है कि ये जल्दी से गाना रिकॉर्ड होगा, फिर इसको आगे बनाएंगे गाने को और रिलीज करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से रिलीज करेंगे इसको। सर आपसे आखिर में ये जानना चाहूँगा कि क्या करना चाहेंगे कि आज के माहौल में कितना ज़रूरी है देशभक्ति की भावना जो है लोग के अंदर, उस
मतलब तरह से नहीं है जो पहले होती थी, लोग अपने काम में इतने व्यस्त है, तो कितना जरूरी है गाना, कितना प्रेरित करेगा? देशभक्ति के गीतों की महत्ता तो हमेशा से रही है। अगर आप इस देश में आज़ादी की लड़ाई से शुरू करें तो आनंद मठ का वंदे मातरम जो एक युद्ध घोष था, वंदे मातरम वास्तव में संत योद्धाओं का युद्ध घोष था जिसके ऊपर बंकिम चंद्र चटर्जी ने कविता लिखी, आनंद मठ में उस कविता को शामिल किया वंदे मातरम, जिसको आज राष्ट्रगीत के रूप में हम जानते हैं। वाकई में आनंद मठ में जो कविता शामिल की गई और जिससे राष्ट्रगीत बना, ये वंदे मातरम शब्द साधुओं का युद्ध घोष था। तो यहाँ पर इस गीत में भी वंदे मातरम शब्द का उपयोग यहाँ भी इसमें भी किया जाएगा। तो राष्ट्र के लिए जो राष्ट्रभक्ति के लिए प्रेरणा हमेशा कवियों का उसमें योगदान रहा है, गीतों का उसमें योगदान रहा है। आज़ादी की लड़ाई में भी कवियों ने बहुत कुछ लिखा। कवि एक देश को नई दिशा देता है, तो ऐसे में राष्ट्रभक्ति के गीतों का महत्व आज भी है। और आज की जो जनरेशन है उसको हमारी संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए, देशभक्ति के बारे में जो भी सामग्री, चाहे वो पुस्तकों में हो चाहे वो गीतों में हो, वो उपलब्ध होनी चाहिए नई जनरेशन को। इसके पीछे यही एक इरादा है कि इसमें राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, इसके लिए जितना भी मटेरियल, चाहे वो गीत के रूप में हो, चाहे वो पुस्तक के रूप में हो, चाहे वो लेख के रूप में हो, वो सब मिलना चाहिए भावी जो हमारी पीढ़ी है उसको। इसके पीछे यही उद्देश्य है। सबसे बड़ी बात एक चीज़ और रखना चाहता हूँ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का भी एक विजन है कि राष्ट्रभक्ति से चीज़ें जुड़ी हुई हों। आप जो भी आप कार्यक्रम प्रधानमंत्री के देखेंगे तो आप देखेंगे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, तो हर चीज़ में राष्ट्र प्रेम जो है और राष्ट्रभक्ति जो है उन्होंने बड़ा जोर दिया। और हमारी पूरी कोशिश है कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा इस गीत का जो है उद्घाटन किया जाए, और उस अवसर पर दिलीप भाई और साधना बहन भी रहें तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। जिस जैसे भी ये गीत जिस दिन कंप्लीट होता है, सबसे पहले हम लोग निवेदन करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी से कि इस गीत का विमोचन करें ताकि देश को ये गीत समर्पित किया जा सके। और बहुत ये कमाल का, ये गीत सुनने के बाद, ये ट्रैक सुना ना मैंने, बहुत जोश आता है और बहुत सुंदर बना है ये गीत। मैम अगर हो सके तो एक लाइन गुनगुना सकते हैं? बिल्कुल गाएंगे, एक साथ ही गा देंगे। और वंदे भारत इस गीत का जो है शीर्षक, प्रकाश है अनंत है, दिशा में दिग दिगंत है, ये वाक्य में हलंत है और अग्नि साज मलंत है। प्रकाश ये अनंत है, दिशा में दिग दिगंत है, ये वाक्य में हलंत है और अग्नि साज मलंत है। ये साधना का तूर्य है, दिशा मान सूर्य है, दिशा ग्रजो में पूर्व है, अनादि है अपूर्व है, प्रत्यक्ष का प्रमाण है, ये धैर्य है अभिमान है, प्रभात का गुमान है, ये देवधरा का मान है, राष्ट्र का महान है, ये मेरी आन बान है, ये मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान है, वंदे मातरम। थैंक यू, वाह वाह वाह, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।